हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेक्टर कार्डियोग्राम के बारे में। वेक्टर कार्डियोग्राम के बारे में बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप ईसीजी में जब भी वेव्स इंटरवल्स की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेव्स और इंटरवल कैसे बनते हैं, और अगर उनमें कुछ भी उनकी मॉर्फोलॉजी में या उनके ड्यूरेशन में कुछ दिक्कत आती है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेक्टर कार्डियोग्राम। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी किसी का हम ईसीजी कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करते हैं। जैसे हम अगर इस पेशेंट की बात करें तो ये इसका राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट लेग है और ये लेफ्ट लेग है। जो राइट आर्म होता है इस पे जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं उस इलेक्ट्रोड को हम डिनोट करते हैं कि इस पे दो जो भी हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लेफ्ट आर्म में हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो लेफ्ट लेग में हम इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करते हैं इसमें दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होते हैं, जबकि राइट लेग को हम न्यूट्रल करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस या कोई आर्टिफैक्ट हमारे ईसीजी में ना आए। इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये राइट आर्म है, मैंने बताया दोनों निगेटिव हैं, लेफ्ट आर्म में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और लेफ्ट लेग में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोड के। तो यहाँ पर देखिए दो एल हैं, तो इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, L इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोई L नहीं है तो यहाँ पर दोनों ही निगेटिव हैं, यहाँ पर एक L है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और यहाँ पर दो L हैं तो इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको पिछले वीडियो में जो मैंने बताया आपको कि जब भी कभी डीपोलराइजेशन हो रहा होता है, तो जब भी मैं बोलता हूँ कि डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव करंट चल रही है। तो जब भी मैं बात करूंगा डीपोलराइजिंग करंट चल रही है तो इसका मतलब होगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। जब भी रीपोलराइजिंग करंट की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि निगेटिव चार्ज चल रहा है उस डायरेक्शन में। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा, ये इलेक्ट्रोड है हमारा, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, जो ईसीजी में डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर हम ये बेस लाइन माने ईसीजी का, तो ईसीजी के ऊपर जितने भी वेव्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होंगे, और इसके जितने नीचे आएंगे वो निगेटिव होंगे। तो इसका मतलब इस बेस लाइन के ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव हम बोलेंगे, उसके नीचे जो भी होगा उसे हम निगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा, इसी तरह से निगेटिव चार्ज अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, जैसे बात करें ये निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जाएगा तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब यहाँ से ऐसे नोड, सपोज करिए यहाँ पर ऐसे नोड है और यहाँ से डिपोलराइज होकर के ये एट्रिया का डिपोलराइजेशन हुआ पूरा, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में चलेगी। तो इसका मतलब है कि जब एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा होगा तो जो हमारा चार्ज चल रहा है डिपोलराइजिंग करंट है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो लेफ्ट फुट की तरफ है। तो इधर हमने कैसा इलेक्ट्रोड लगा रखा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जो हमें वेव मिलती है
वो कुछ पॉजिटिव फॉर्म में मिलती है। इसी तरह से जब रिपोलराइजेशन होगा, जैसे वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन में क्या होता है, रिपोलराइजेशन का मतलब निगेटिव करेंट। जब रिपोलराइजेशन में निगेटिव करेंट चल रही होगी तो रिपोलराइजेशन में निगेटिव करेंट कुछ इस डायरेक्शन में चल रही होगी। डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन ये है, रिपोलराइजेशन का डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो रिपोलराइजेशन जब हो रहा है तो रिपोलराइजिंग करंट कैसी है, निगेटिव। रिपोलराइजिंग करंट निगेटिव है तो जब रिपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल का तो निगेटिव चार्ज चल रहा है किसकी तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो भी डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, इस वेक्टर कार्डियोग्राम में हम जो भी देख रहे हैं, इस वेक्टर का मतलब क्या है कि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसको लीड वन माने, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जहाँ पर दो चार्जेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है और उन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम वेक्टर से दर्शाते हैं। तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में जब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर हम यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाना चाहेंगे तो उसको हम एक वेक्टर से दिखाएंगे और वो वेक्टर कुछ इस तरह से होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो करंट चलती है वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चलती है। तो ये हमारी लीड फर्स्ट हो गई। जो दूसरी लीड होती है वो यहाँ से राइट आर्म से लेकर के लेफ्ट लेग तक चलती है, तो निगेटिव से पॉजिटिव वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारी लीड टू हो जाती है। तीसरी लीड हमारी निगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में चल रही होगी, ये हमारी लीड थ्री है। ये जो लीड है, ये पहली लीड, दूसरी लीड, तीसरी लीड, ये बेसिकली हमें क्या बता रही हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लिम्ब्स के बारे में बता रही हैं। पहली लीड राइट आर्म और लेफ्ट लेग के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है, दूसरी लीड जो है वो हमें राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है, और जो तीसरी लीड है वो हमें लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं वेक्टर कार्डियोग्राम के बारे में, कि ये लीड कैसे, ये जो वेव्स हैं, इंटरवल्स हैं, ये कैसे बनते हैं। जब भी हम ईसीजी देख रहे होते हैं तो उसमें हमें कुछ ये पैटर्न मिलता है। ये इसको हम जो सबसे पहले पॉजिटिव वेव आती है इसे हम बोलते हैं पी वेव। इसके बाद एक थोड़ा सा गैप मिलता है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है। इसके बाद एक निगेटिव डिफ्लेक्शन आता है, एक पॉजिटिव आता है, फिर निगेटिव आता है, और ये जा करके कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हमें ईसीजी में दिखाई देता है इसे हम पी वेव बोलते हैं। जो फर्स्ट निगेटिव दिखाई देता है इस पॉजिटिव के बाद उसे हम क्यू बोलते हैं। फिर जो एक पीक दिखाई देता है उसे हम आर बोलते हैं। फिर उस आर के बाद, उस पॉजिटिव के बाद जो दूसरा निगेटिव आता है उसे हम एस बोलते हैं, और ये लास्ट का जो होता है इसे हम टी वेव बोलते हैं। कभी कभी किसी ईसीजी में यू वेव भी देखने को मिल जाती है तो इसको हम यू वेव बोल देते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर कार्डियोग्राम की। हमारा हार्ट जो होता है वो चार चैम्बर का होता है, तो ये हमारा फोर चैम्बर हार्ट हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमें पता है कि ये ऊपर दो जो चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रिया बोलते हैं, और नीचे जो दो चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। जो हमारा एट्रिया होता है राइट साइड में उसे हम राइट एट्रिया बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसे लेफ्ट एट्रिया बोलते हैं। दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टा है इसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ये राइट साइड में जो वेंट्रिकल है इसे राइट वेंट्रिकल बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, और इसके बीच में जो दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा है इसे हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टा है एट्रिया और वेंट्रिकल को जो डिवाइड कर रहा है इसे हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा की खास बात होती है कि
ये एट्रिया को वेंट्रिकल से पूरी तरह से डिवाइड करता है, लेकिन एट्रिया से जो भी करंट चल करके वेंट्रिकल में पहुंचती है वो केवल एक इलेक्ट्रिकल विंडो से ही पास होती है, बाकी सारा का सारा ये जो सेप्टा है ये इंसुलेटेड होता है। तो सपोज करिए वो इलेक्ट्रिकल विंडो यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रिकल विंडो का हम नाम रखते हैं एवी नोड। बाकी जितना भी पोर्शन है यहाँ पर वो सारा का सारा कैसा है, इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ कहीं से भी करंट पास होकर के नीचे नहीं आ सकती, केवल और केवल इस नोड से पास होकर के आएगी, जिसे हम बोलते हैं एवी नोड। चूंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन में है तो इसे हम जंक्शन भी बोलते हैं, कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जंक्शन है। आगे जब मैं रिदम में बताऊंगा आपको तो कई बार जंक्शनल रिदम आती हैं तो उनको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। राइट एट्रिया में हमारा जो सुपीरियर वेना केवा होता है, तो जैसे सपोज करिए ये सुपीरियर वेना केवा आया यहाँ पर, ये सुपीरियर वेना केवा हमारा राइट एट्रिया में खुल रहा है, जहाँ पर जंक्शन होता है सुपीरियर वेना केवा का और राइट एट्रियम का, यहाँ पर एक नोड होता है, इसका नाम होता है एसए नोड। ये एसए नोड जो होता है इसकी ऑटोमेटिसिटी या इसका फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है बाकी जितने भी कंडक्टिव टिश्यू होते हैं हार्ट में, तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारा पेस मेकर है हार्ट का। कोई भी चीज़ जो सबसे लीडिंग होती है या लीडर का काम करती है तो ये एक तरह से हमारा लीडर का काम करता है हार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा पेस मेकर है। जब ये फायर करता है तो सारी की सारी करंट पूरे एट्रिया में, दोनों एट्रिया में जाएगी, तो ये करंट चारों तरफ जाएगी कुछ इस तरह से। तो हम इसको वेक्टर से दिखा सकते हैं, जैसे राइट साइड में ये सिचुएटेड है तो सबसे पहले राइट एट्रिया डिपोलराइज होगा, फिर लेफ्ट एट्रिया डिपोलराइज होगा, कॉन्ट्रैक्शन दोनों का साथ में होता है। मतलब पहले इलेक्ट्रिकल करंट चली, पहले कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हुआ, उसके बाद मैकेनिकल उसमें एक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो चल रही है वो दोनों एट्रिया में बराबर चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियस आता है। तो जो हमें ये पी वेव दिखती है, इस पी वेव का मतलब होता है कि दोनों एट्रिया हमारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और इस पी वेव, ये जो पी वेव होती है ये कुछ ग्लोब शेप की होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो दोनों इसको बनाने में दोनों एट्रिया का हाथ होता है। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें वन थर्ड में, ये वन थर्ड हो गया राइट साइड का, ये वन थर्ड हो गया लेफ्ट साइड का, और ये बीच का वन थर्ड हो गया। तो ये जो फर्स्ट वन थर्ड दिखा रहा है ये हमें दिखा रहा है कि इसमें राइट एट्रिया का डिपोलराइजेशन हुआ है, और जो सेकेंड वन थर्ड दिखा रहा है ये सेकेंड वन थर्ड, इसका मतलब ये दोनों का हिस्सा है, और जो लास्ट वन थर्ड है ये हमें बता रहा है कि लेफ्ट एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन हुआ है। तो अगर हम इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक वेक्टर की तरह, जैसे हम यहाँ पर वेक्टर की तरह दिखा रहे हैं, इसी तरह हम यहाँ पर इनको वेक्टर की तरह दिखाएं, तो राइट एट्रिया का जब डिपोलाइजेशन होगा तो इसका वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया का डिपोलाइजेशन हो रहा है तो इसका वेक्टर जो एक कॉमन वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी साइमल्टेनियस चल रही है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो इन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करके हम एक कॉमन वेक्टर निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो मतलब जो फर्स्ट ये जो हमें पी वेव मिल रही है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये पहला वेक्टर हमें बता रहा है कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो एवी नोड होता है यहाँ पर जंक्शन में, ये स्पेशलाइज्ड होता है स्लो कंडक्शन के लिए, ये करंट को यहाँ पर कुछ समय के लिए होल्ड कर लेता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत डेंसली अरेंज होती हैं। मतलब जैसे कहीं पर सपोज करिए इतनी लंबी लंबी सेल हैं तो इनके डिपोलाइजेशन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन कहीं पर अगर बहुत छोटी छोटी कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर सेल अरेंज हैं तो इन इसको डिपोलाइज होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो उस समय हमारी ईसीजी मशीन उस डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाती और एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है। तो
पी वेव के बाद जो एक ये लाइन मिल रही है आपको, इस लाइन का मतलब है कि वो करंट यहाँ ए बी नोड में होल्ड कर ली गई है कुछ समय के लिए। तो ये जो ए बी नोड में करंट होल्ड की जाती है ये 0.1 सेकंड के लिए होल्ड की जाती है। जब करंट होल्ड कर ली गई, कोई डिफ्लेक्शन ईसीजी मशीन में नहीं आएगा, तो एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलेगी जो हमें इस तरह से दिखाई देगी ईसीजी पेपर पे। इसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल हमारा तीन हिस्सों में डीपोलराइज होता है। हमारा एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ तो पी वेव मिली, इसके बाद ए बी नोड में करंट कुछ समय के लिए होल्ड हो गई तो ये हमें कुछ इस तरह से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली। जो हमारे ए बी नोड है इसे हम सेकेंड पेस मेकर भी बोल सकते हैं। जैसे हमने इसको पेस मेकर बोला तो ये हमारा फर्स्ट पेस मेकर हो गया। इसको हम बोल सकते हैं कि ये ए बी नोड जो है ये हमारा सेकेंड पेस मेकर है। ये जो वेंट्रिकल है जब ये डीपोलराइज होता है तो इसका डिपोलाइजेशन मैंने आपको बताया कि ये तीन पार्ट में होता है। सबसे पहले जो डिपोलाइजेशन होता है तो वो डिपोलाइजेशन होता है सेप्टा का, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये जो हमारा ए बी नोड है, ए बी नोड से करंट चल करके नीचे आती है, ये एक बंडल होता है जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। ये हमारा बंडल ऑफ हिज है। इस बंडल ऑफ हिज से ये करंट बाइफर्केट कर जाती है, एक राइट बंडल ब्रांच देती है और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच देती है। जब यहां से ए बी नोड से करंट चल करके बंडल ऑफ हिज में आएगी और बंडल ऑफ हिज के बाद जब ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में जा रही होगी तो ये सेप्टा का डिपोलाइजेशन जब भी होगा तो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है कुछ इस तरह से। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे सपोज करिए ये हमारा राइट बंडल ब्रांच है और ये हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच है, तो जो राइट बंडल ब्रांच होता है इसमें जैसे वायर होता है, कोई वायर के चारों तरफ प्लास्टिक लगी रहती है तो यहाँ पर एक फाइब्रस सीथ होती है जो कि पूरा राइट बंडल ब्रांच को ऐसे कवर किए रहती है। जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच में क्या होता है कि ये फाइब्रस सीथ जगह जगह से पोरस होती है। तो जब भी लेफ्ट बंडल ब्रांच में करंट चलेगी तो वो करंट यहाँ से होकर के, यहाँ से गुजर के कुछ इस डायरेक्शन में इसको डीपोलराइज करेगी। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी डीपोलराइजेशन इस सेप्टा का होगा तो वो डीपोलराइजेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा और डाउन टू अप होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट टू राइट होगा। जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में एक निश्चित उसका लेंथ होता है। उस लेंथ को हम कैसे बताएंगे, जैसे सपोज करिए ये एक मेजर पोर्शन है वेंट्रिकल का, जब ये डिपोलाइज होगा तो हमने जो वेक्टर बनाया है वो काफ़ी बड़ा बनाया है। इसके बाद ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है, चूँकि इसका मास बहुत कम है, इसका जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो जब ये डिपोलाइज होगा तो ईसीजी मशीन में बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन आएगा। तो उस वेक्टर को हम कुछ इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, ये हमारा वेंट्रिकल के डिपोलाइजेशन का वेक्टर है जो सेप्टल डिपोलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डिपोलाइजेशन को, जिसको हम बोलते हैं कि एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, या फिर इसी को हम बोलते हैं एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये जो दूसरा मैंने छोटा सा वेक्टर बताया, क्योंकि इसका मास बहुत ही छोटा है, तो ये हमें बताएगा कि सेप्टल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि जब ये सेप्टा का डिपोलाइजेशन हो गया, करंट दोनों तरफ चली जाएगी, तो अब वेंट्रिकल की बारी है, अब पूरा का पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा जो मेजर पोर्शन है। तो जो मेजर पोर्शन है, तो सपोज करिए जब करंट दोनों वेंट्रिकल में जाएगी तो
वो इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, जिस तरह से एट्रिया में जा रही है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, तो इसकी जो मसल थिकनेस होती है वो इसका लगभग 3 गुना होती है। मतलब अगर इसकी थिकनेस को हम एक्स माने तो ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये 3 गुना मोटा होता है। तो अगर इधर का ये इसका हम कॉमन एक वेक्टर दिखाएं, तो इसका अगर वेक्टर हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे तो इसका 3 गुना वेक्टर हमें इस तरफ दिखाना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह से। जब इन दोनों वेक्टर का, चूंकि दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनका भी एक कॉमन वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारा एट्रिया का बता दिया, इसने हमारा सेप्टा का डिपोलाइजेशन बता दिया। चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कार्डियक एक्सिस होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, तो जो भी डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट जाएगा, मतलब ये सेप्टा का डिपोलराइजेशन कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव करंट जब पॉजिटिव की तरफ चलेगी तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव करंट किस तरफ जा रही है, अपोजिट जा रही है, मतलब पॉजिटिव करंट यहाँ से सेप्टा का डिपोलराइजेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पॉजिटिव करंट किस तरफ जा रही है, निगेटिव की तरफ जा रही है, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि ये जो क्यू वेव है, ये क्यू वेव क्या बता रही है, सेप्टल डिपोलराइजेशन को बता रही है। जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके डिपोलराइजेशन को ये क्यू वेव बता रही है। इसके बाद मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के डायरेक्शन हमारा किस तरफ है, इस तरफ है, तो डिपोलराइजिंग करंट पॉजिटिव करंट है। पॉजिटिव करंट हमारा किस तरफ चल रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल रही है। तो जब पॉजिटिव करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें जो वेव फॉर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये जो आर बनता है, ये आर कैसे बना है, दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है, तो एक पीक आता है कुछ इस तरह से, और ये जो वेव फॉर्म मिलती है इसे हम बोलते हैं आर। तो ये और वेक्टर हो गया हमारा जो हमें बता रहा है मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बारे में। ये हमारा हो गया मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, या फिर इसी को हम बोलेंगे कि वेंट्रिकल हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रहा है। इसके बाद जो बेसल पार्ट है हमारा वेंट्रिकल का, ये एकदम लास्ट पार्ट होता है, इसका मास बहुत ही कम होता है, तो इसका वेक्टर भी जो बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर डिपोलराइज हो रहा होगा, क्योंकि ये पर्किंजे फाइबर हमारे यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ से करंट धीरे धीरे करके यहाँ तक जाएगी, तो इनका वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। डिपोलराइजिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका वेक्टर जो बनेगा वो छोटा सा बनेगा, और इसका डायरेक्शन कैसा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका भी डायरेक्शन, जो बेसल पार्ट है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो अगर कॉमन दोनों का जोड़ेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब पॉजिटिव करंट निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, निगेटिव। तो जो ये एस दिख रही है, एस वेव, ये एस वेव हमें क्या बता रही है कि ये जो बेसल पार्ट है वेंट्रिकल का उसका डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो अगर हम इसको दिखाएं बेसल पार्ट को, तो बेसल पार्ट कुछ इस तरह से होगा, ये हमें बता रहा है बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बारे में, बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बारे में। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया, मतलब जब एट्रिया डिपोलराइज हुआ तो हमें पीवीओ मिली, जब यहाँ पर कुछ समय के लिए वेव जो करंट है उसको होल्ड कर लिया गया तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली, मतलब वहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर इसके बाद जब सेप्टा का डिपोलराइजेशन हुआ तो लेफ्ट से राइट होता है और आप नीचे से ऊपर की तरफ, तो वेक्टर का फॉर्म छोटा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो हमें वेव मिल रही है वो कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है, उसे हम क्यू बोलेंगे। फिर
फिर मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कुछ इसी डायरेक्शन में है, तो ये हमारा डिपोलराइजिंग करंट पॉजिटिव करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, तो डिफ्लेक्शन कैसा मिल रहा है पॉजिटिव, तो ये हमारी आरवीओ मिल गई। इसके बाद जो बेसल पार्ट है हमारा वेंट्रिकल का, जब ये डिपोलराइज होगा तो जो हमें वेव मिलेगी उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो डिफ्लेक्शन कैसा मिलेगा नेगेटिव, तो ये हमें एस वेव मिल गई। इसके बाद फिर से हमें एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है। ये क्यों मिलती है? ये इसलिए मिलती है क्योंकि जब हमारा पूरा का पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया, पूरा का पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाएगा, तो इसके बाद इसमें कोई भी करंट का मूवमेंट नहीं होगा, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिकल साइलेंस हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल साइलेंस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा जो पोर्शन है ईसीजी मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आएगी। तो जो ये पोर्शन है एस के बाद टी तक, ये जो है इसे हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया है, अब कोई भी करंट का फ्लो या करंट का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है जो जनरेट हो जिसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन हो, तो इस वजह से ये एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन की तरह रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये जो हमारा टी वेव है, चूँकि एट्रिया हमारा डिपोलराइज हो गया, वेंट्रिकल हमारा डिपोलराइज हो गया, अब वेंट्रिकल क्या होगा रिपोलराइज होगा या वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करिए ये हमारा वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा इंट्राएट्रियल सेप्टम, यहाँ से करंट कुछ ये इस तरह से जा रही होगी। ये अंदर का पोर्शन है इसे हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, और ये बाहर का पोर्शन है इसे हम बोलते हैं इपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, इपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो जो हमारा इंडोकार्डियम होता है, चूँकि ये जो हमारी वायर्स आए हुए हैं ये इंडोकार्डियम के ठीक नीचे होते हैं, तो सबसे पहले डिपोलराइज ये किसको करेंगे इंडोकार्डियम को, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम यहाँ से दूर है तो इसका डिपोलराइजेशन बहुत लेट होगा, तो इसका मतलब है कि डिपोलराइजेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। और जब रिपोलराइजेशन की बात करें, ये तो मैंने डिपोलराइजेशन का वेक्टर बता दिया है, अब हम बात कर रहे हैं रिपोलराइजेशन की। तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन बता रहा था, वहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी कि जो भी टिश्यू सबसे बाद में डिपोलराइज होता है वो सबसे पहले रिपोलराइज होता है, तो वो उस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। वो उसका रीज़न ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली जब पूरा का पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है ये सबसे ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, तो यहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले रिपोलराइज नहीं होता। सबसे पहले रिपोलराइज कौन सा पोर्शन होता है? सबसे लास्ट वाला, मतलब एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो जब इसका रिपोलराइजेशन हो रहा होगा तो रिपोलराइजेशन करंट कैसी होती है, मैंने आपको बताया निगेटिव होती है, तो इसका मतलब ये निगेटिव करंट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसे ये हो रहा होगा चारों तरफ से। अगर हम इसका रिपोलराइजेशन करंट का एक कॉमन वेक्टर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, इसका अभी कॉमन वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो रिपोलराइजिंग करंट जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। इसका मतलब है जो रिपोलराइजेशन का वेक्टर है वो कैसा बन रहा है हमारा, कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब रिपोलराइजेशन करंट कैसी है निगेटिव है। तो अगर हम रिपोलराइजेशन को समझें कि निगेटिव करंट हमारी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, करंट कैसी है निगेटिव, किस इलेक्ट्रोड की तरफ चल रही है निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो निगेटिव करंट निगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ चलेगी तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, मैंने आपको बताया था कि निगेटिव चार्ज या निगेटिव करंट निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आता है। जिस तरह से सिंपल मैथ में यूज़ करते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है,
उसी कंसेप्ट को इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो जो लास्ट में टी वेव आती है, ये जो टी वेव बन रही है इसका मतलब क्या होता है, ये हमें बता रही है कि वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो रहा है। मतलब वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो रहा है, या वेंट्रिकल का हम बोलेंगे कि रिलैक्सेशन हो रहा है, या इसी को हम वेंट्रिकुलर डायस्टली भी बोलते हैं। कुछ केसेस में आपको यू वेव देखने को मिलेगा, कुछ पेशेंट जो बहुत सीवियर हाइपोकैलेमिया में चले जाते हैं, या नॉर्मल भी कई बार मिल जाता है, जब जो हमारी पेपिलरी मसल होती हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये पेपिलरी मसल्स हैं बहुत सारी, इन पेपिलरी मसल से ये कॉर्डी टेनिनी अटैच रहती है, जो हमारे सपोज करिए अगर ये लेफ्ट साइड का है तो यहाँ पर माइट्रल वॉल्व होगा कुछ इस तरह से, तो जो होल्ड करती हैं लीफलेट्स को। तो ये पेपिलरी मसल का डिपोलराइजेशन जब हो रहा होता है तो ये सबसे बाद में रिपोलराइज होती हैं। तो जब इनका रिपोलराइजेशन हो रहा होता है तो जो हमें एक वेव मिलती है उस वेव को हम बोलते हैं कि वो यू वेव है। तो इस तरह से हम वेक्टर कार्डियोग्राम को एक कंटिन्यूटी में समझेंगे। तो ये हमारा हो गया रिपोलराइजिंग वेक्टर। अब इन वेक्टर फॉर्म को वेव फॉर्म में यूज़ करके इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा कि ये किस तरह से ECG का पेपर बनता है और जो है उसमें वेव फॉर्म हमें किस तरह से दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया ये हमारा एट्रियल डिपोलराइजेशन हो गया। जो हमारी कार्डियक एक्सिस होती है, जो हमारा मेन कार्डियक एक्सिस होता है, वो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है। अगर इसका हार्ट का हम ये डायग्राम मिटा करके दोबारा से बनाते हैं, ये सपोज करिए ये हार्ट है, तो हमारा जो मेन कार्डियक एक्सिस होता है वो लगभग 60 डिग्री होता है हमारा लेफ्ट फुट की तरफ। मतलब जो मेन कार्डियक एक्सिस है वो इस तरफ है। जो भी करंट या जो भी वेक्टर हमारे पॉजिटिव कार्डियक एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो उसे हम डिफ्लेक्शन पॉजिटिव से दिखाएंगे। मैंने आपको बेसिक लेवल से भी बता दिया कि ये किस तरह से पॉजिटिव निगेटिव हम लोग दिखाते हैं। इस तरह से हम सब लीड में, ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ये हर लीड में इसीलिए हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी का एंगल या उसका ड्यूरेशन कुछ अलग अलग साइज से होता है तो वो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर बात करते हैं हम पी वेव की। तो ये पी वेव हमारी जो बन रही होती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन से बन रही होती है। आप देख सकते हैं कि अगर हम कॉमन एक कार्डियक एक्सिस, जो हमारे ये कार्डियक एक्सिस है, अगर इसके अलोंग जा रहा है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा। तो सपोज करिए ये एक हमारा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, फिर हमारा वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, तो जब वेंट्रिकल का जब एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा होगा तो एट्रिया के डिपोलराइजेशन में हमारा जो वेव आएगी वो चूंकि कार्डियक एक्सिस के अलोंग है तो ये पॉजिटिव होगा। फिर करंट थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ली जाएगी यहाँ पर AV नोड में, तो इलेक्ट्रिकल साइलेंस मिलेगा। उस इलेक्ट्रिकल साइलेंस को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये हमारा बता रहा है कि यहाँ पर करंट थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ली गई है। इसके बाद ये हमारा जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन है, बहुत ही छोटा वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो इसको हम बहुत ही छोटे उससे दिखा देंगे कि ये हमारा ये क्यू हो गया, ये हमारा पी हो गया। इसके बाद ये मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हमारा कार्डियक एक्सिस के अलोंग है तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारा आर हो गया। इसके बाद जो बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, इसका वेक्टर बहुत छोटा है, ये अपोजिट जा रहा है हमारे कार्डियक एक्सिस वेक्टर के, तो इसका भी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इसे हम एस बोल देंगे। फिर मैंने कुछ समय के लिए बताया था कि पूरा का पूरा वेंट्रिकल जब डिपोलराइज हो जाता है तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, उस समय भी एक इलेक्ट्रिकल साइलेंस होता है जो मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती है, तो ये हमारा जो सेगमेंट आएगा ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आएगी। तो ये टी वेव के पहले होता है तो इसे हम ST सेगमेंट बोलते हैं, ये सेगमेंट और इंटरवल के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद जो रिपोलराइजेशन हो रहा होता है ये हमारा क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टली के बारे में। इसका डायरेक्शन हमारे कार्डियक एक्सिस वेक्टर के अपोजिट है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब
रिपोलराइजिंग करंट, निगेटिव करंट निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलती है तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आता है। तो इसके बाद जो वेव बनेगी उसे हम बोलेंगे, ये एक्चुअली बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अप स्लोपिंग, ऐसे कुछ इस तरह की वेव होती है, इसे हम बोलते हैं टी वेव। तो जब भी हम कभी ईसीजी देख रहे होते हैं तो पी क्यू आर एस टी का मतलब क्या होता है, ये कब बनती हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें अगर ये जो वेव है अगर इसके शेप में कुछ चेंज आता है या इसके इंटरवल, इसकी मॉर्फोलॉजी में, इसके इंटरवल में कोई चेंज आता है तो क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे एक छोटी सी बात करें कि ये जैसे एट्रिया है, इस एट्रिया को अगर डीपोलराइज होने में ज़्यादा समय लग जाए तो ये हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा ले लेगा, तो ये कुछ बड़ा साइज़ का हो जाएगा, ये पी वेव की मॉर्फोलॉजी ये नहीं रहेगी। अगर ये इसका मसल मास ज़्यादा हो जाए तो वेक्टर, मसल मास ज़्यादा हो जाएगा तो वेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, तो हो सकता है ये पी वेव हमें कुछ ज़्यादा एम्पलीट्यूड में दिखाई दे। जैसे यहाँ पर ये पी के बाद ये वाला जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, अगर ये ए बी नोड ज़्यादा देर के लिए करंट होल्ड करने लगे जो हम डिफरेंट टाइप के ब्लॉक में देखते हैं तो ये ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेज हैं उनको एक नॉर्मल ईसीजी देख करके डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वेक्टर कार्डियोग्राम के द्वारा कि पी वेव की वायरस ये एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर कैसे बनते हैं, नीचे कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन लीड्स के बारे में बताऊंगा कि हम जो 10 लीड यूज़ करते हैं, जैसे राइट आर्म में मैंने ये रेड कलर दिखाया है, तो एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कलर होता है आपने देखा होगा जब ईसीजी किसी को लगाया जाता है, इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, तो राइट आर्म में रेड कलर रखते हैं, लेफ्ट आर्म में येलो कलर रखते हैं, जो हमारा राइट लेग है उस पर ब्लैक रखते हैं और जो लेफ्ट लेग है इस पर हमने ग्रीन से बनाया हुआ है, तो इसका मतलब इधर ग्रीन रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके इलेक्ट्रोड में ऑलरेडी लिखा रहता है कि आप इसको राइट आर्म में प्लेस करिए, लेफ्ट आर्म में प्लेस करिए। तो इस तरह से हमने 4 इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्लेस किए हैं और 6 इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर प्लेस करेंगे इस हार्ट को, जो कि हार्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप की लीड्स के बारे में बताऊंगा, उनके प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।